मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने रविवार को रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेलंगाना के मंत्री और वीआरएस नेता केटीआर राव के कांग्रेस पर दिए गए बयान पर कहा कि वो पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप जो चाहे कह सकते हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के फूड प्रोसेसिंग यूनिट राजनांदगांव से पाटन शिफ्ट करने और राजनांदगांव का विकास रोकने का आरोप प्रयास करने वाले आरोप पर कहा कि 15 साल से वे राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये उनकी कमजोरी है, वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अभी तेलंगाना के करीमनगर वारंगल इन सब दौरे में दो दिन का चुनावी प्रचार, उसके बाद कल शाम को सर तेलंगाना के मंत्री जो है केटीआर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तेलंगाना के इतिहास के बारे में नहीं पता है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में। तेलंगाना के मंत्री बोल रहे हैं 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार, मतलब ये है कि आपको बोलने भी कुछ नहीं लगता, सत्ता में वो है और आरोप कांग्रेस पर। रमन सिंह पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि फूल प्रसंस्करण जो यूनिट है उसको पाटन ले जाएगा, उसको पाटन ले पक्षपात किया गया, वो 15 साल में वो नहीं कर पाए, ये तो उसकी कमजोरी है, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं वो कमजोरी अपनी।